गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। ठीक है बेटा सब बच्चे? क्या करेंगे बेटा आज? लो बेटा, हमने टॉपिक शुरू किया हुआ था यहाँ पर बेटा, कौन सा हमने टॉपिक शुरू किया हुआ था बेटा? एपी जीपी, एपी वाला पार्ट कर लिया था हमने, एंड जीपी हमारा चल रहा था बेटा, यही किया था हमने। जरा फटाफट से बताओ, पिछली क्लास में जीपी के बारे में क्या क्या बता दिया था? एनएच टर्म निकालनी है, ए इंटू आर की पावर, वैसे एक फॉर्मूला और भी था, बल्कि वो क्या ही कहें, वो सिर्फ जीपी के लिए नहीं था, वो तो कहीं भी लगा सकते हो। बताओ क्या क्या था बेटा फॉर्मूला? फॉर्मूला ये था एक इंपॉर्टेंट कि Sn माइनस वन करें तो भी NH टर्म निकाल सकते हैं। वैसे दिस फॉर्मूला वॉज एप्लीकेबल फॉर एपी एंड जीपी बोथ। बोलो बेटा, इसका एपी जीपी से कोई खास मतलब था ही नहीं, ये तो सिंपल मैथमेटिक्स थी। फिर मैंने कहा Sn निकालना है तो फॉर्मूला क्या रहेगा बेटा? यही फॉर्मूला था, लेकिन ये फॉर्मूला कब लगाएंगे? बोलो बेटा, अगर R इज ग्रेटर देन वन, लेकिन अगर R की वैल्यू बेटा लेस देन वन हो तो यही फॉर्मूला हो जाएगा, इफ R इज लेस देन वन। बेटा यही बता दिया था? अच्छा, फिर मैंने क्या बताया कि बेटा अगर आपको सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स निकालना है तो फॉर्मूला रहेगा ए अपॉन वन माइनस आर, लेस देन वन है अगर आर तो। इसी फॉर्मूले में एन जब इन्फिनिटी रखा तो बेटा ये वन माइनस जीरो बन जाएगा, फॉर्मूला रह गया ए अपॉन वन माइनस आर। लेकिन अगर मैं R की वैल्यू ग्रेटर देन वन कर दूं, बताओ बेटा? बेटा नॉट पॉसिबल, यही बता दिया था। अच्छा, फिर मैंने बताया कि बेटा आपको अगर आपको अज्यूम करने पड़े तो ऑलवेज टेक ए बी सी, अगर जीपी में है, ए को क्या मानिएगा, बी को क्या मानेंगे और सी को क्या मानेंगे, यानी सिंपलेस्ट जीपी कौन सी होती है? 1 2 4, कभी अज्यूम करनी पड़े तो। उसके बाद मैंने ये बताया आपको कि अगर ए बी सी जीपी में है तो बेटा पक्का इनका रेसिप्रोकल भी जीपी में होगा। बेटा बोलो, इनका स्क्वायर भी जीपी में होगा और इनका नंबर का अंडर रूट भी। बेटा अगर ये जीपी में है तो ये सारे भी जीपी में होंगे। बेटा यही बता दिया था, बोलो। और भी कुछ बताया था क्या? मैंने क्या लिखवाया था इसके अलावा? क्यों नहीं आएगा? एक कॉन्सेप्ट बताया था मैंने आपको पिछली क्लास में ही कि 2.17358, इसकी अगर फ्रैक्शनल वैल्यू निकालनी है बेटा निकाल सकते हैं। वैसे तो तरीका ट्रेडिशनल ये है कि इसे इनफाइनाइट जीपी बनाओ और तब काम करो। मैंने आपको एक सीधा शॉर्टकट ट्रिक बता दिया था, क्या था बेटा? पॉइंट को रिमूव कर दो, ये बचा, माइनस करो नॉन रिपीटिंग एलिमेंट्स 217, डिवाइड करो 9 से, कितने 9, जितने रिपीटिंग एलिमेंट्स हैं, 0 और लगा दो, कितने 0, जितने भी नॉन रिपीटिंग एलिमेंट्स हैं आफ्टर पॉइंट इज द रिक्वायर्ड आंसर। बेटा यही सब किया था हमने? बोलो बेटा, ये मैं पिछली क्लास में आपको सारी बातें जीपी से रिलेटेड बता चुका हूं। बेटा यही सब बताया था, जल्दी बोलो। हाँ सर, यही सब हमने काम यहां पर
कर लिया था रिलेटेड टू जीपी, रिलेटेड टू जीपी। चलो जी और लिखना शुरू करें, आप और कुछ बातें लिखेंगे। बेटा कुछ क्वेश्चन दिए थे, किए कि नहीं किए? सब कुछ ट्राई किए, हो गए कुछ नहीं हुए, कोई बात नहीं कराऊंगा बाद में, आप पहले समझते चलो। लिखें फिर से नोट, पहले समझो, समझो पहले उसने क्या कहा, पहले कॉन्सेप्ट समझो, एक आसानी रहेगी। फिर उसने, नोट मत करना अभी, उसने कहा थ्री नंबर्स आर इन जीपी, तीन नंबर्स हैं कोई जीपी में हैं, उनका प्रोडक्ट है, उनका प्रोडक्ट है बेटा 27। कोई तीन नंबर्स हैं जीपी में हैं, मैं तो सोच रहा था कि नंबर्स को मैं अज्यूम कर लूं। बताओ दिमाग में क्या आया था आपके? सर 1 2 4 अज्यूम करके काम कर लेंगे, लेकिन बेटा पिट गई बात। बोलो बेटा क्या 1 2 4 का प्रोडक्ट 27 है? 1 2 4 तो नहीं मान पाओगे क्योंकि यही सवाल करोगे मुझसे आप थोड़ी देर बाद। सर इस बार 1 2 4 क्यों नहीं माना आपने? अरे भाई कैसे ही मान लूं, वो खुद ही बोल रहा है, वो खुद बोल रहा है इन तीनों का प्रोडक्ट, इन तीनों का प्रोडक्ट कितना है? 27 है। ठीक, तीनों का प्रोडक्ट 27 है और साथ में कुछ और भी बता दिया, बला बला कंडीशंस बता दी उसने, बोला फाइंड द नंबर्स। बताओ क्या करोगे, नंबर्स क्या मान लें इस बार? हाँ जी 139। क्यों? अच्छा प्रोडक्ट 27 रहा है तो होशियारी कर दी भैया, तो सोचा ही नहीं था मैंने, नहीं नहीं पता मुझे फिलहाल नहीं पता। अच्छा 27 का तो आपने ब्रेकअप कर लिया, लेकिन मैं कह रहा हूं नहीं पता, 1 2 4 पता है वो नहीं लग पा रहा। बोलो बेटा तो अब हम क्या करेंगे बताओ बेटा, तीन नंबर्स अज्यूम करने हैं तो ए बी सी अज्यूम कर लें, लेट ए बी सी आर इन जीपी। बोलो बेटा लेकिन पता है क्या करना पड़ेगा, अब ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, बोलो हां, बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और सिमिलरली सी की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, तीन इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी, तीनों से ए बी सी निकालो। बड़ी प्रॉब्लम लग रही है, एक काम ना करें, क्यों ना ये जो तीन नंबर्स अज्यूम करने हैं मैं इनको ऐसे अज्यूम कर लूं, लेट द थ्री नंबर्स बी ए अपॉन आर, ए और ए आर, बताओ ये जीपी में है कि नहीं है? फायदा क्या हुआ, फायदा क्या हुआ हम ये अज्यूम करें या ये नंबर्स अज्यूम करें, और क्यों? बेटा दो फायदे हैं, देखो पहली बात तो ये कि यहां पर कितने वेरिएबल्स आपको कैलकुलेट करने पड़ते, तीन निकालने पड़ते, ए निकालो बी निकालो सी निकालो। बोलो बेटा हां, लेकिन अब सिर्फ कितने वेरिएबल्स पर काम करना पड़ेगा, बस कैसे भी करके ए और आर आ जाएं, ये तीनों नंबर्स मिल जाएंगे। बोलो बेटा, और इसमें भी एक स्ट्रैटेजिकली काम किया है मैंने, ध्यान से देखो तो, जैसे ही आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, ए की स्ट्रेट फॉरवर्ड वैल्यू मिल जाएगी कि नहीं मिलेगी? बेटा बोलो, ए की स्ट्रेट फॉरवर्ड वैल्यू मिल जाएगी, और जब ए मिल गया तो उसके बाद सिर्फ आर ही तो बच गया, चीजें आसान हो गई कि नहीं हुई? मैं आपको सिर्फ ये महसूस कराने, सर क्या हो गया, सर तीन थे, चलो एक काम करते हैं, ये इसने दे दिया इस बार, लेट फाइव नंबर्स आर इन जीपी। ट्रेडिशनल तरीका क्या होता, सर लेट द फाइव नंबर्स बी, क्या मानते बेटा पांच नंबर?
ए बी सी डी ई, पांच वेरिएबल निकालने पड़ते। भाई सब पसीने छूट जाने वाले थे, पांच वेरिएबल नहीं निकलते आपसे। लेकिन ये ऑन द कॉन्ट्रेरी, अब आप बताओ स्ट्रेटेजिकली सोचकर मैं पांच क्या अज्यूम कर लू नंबर्स। बोलो बेटा। अरे आसान है ना, एक यहां बढ़ा दूं और एक यहां बढ़ा दूं। बोलो फायदा क्या होगा? फिर से वही, एक तो दो ही वेरिएबल। पहले बताओ ये सारे जीपी में है कि नहीं है? इसको आर से मल्टीप्लाई करोगे ये मिलेगा, इसको आर से मल्टीप्लाई करोगे ये मिलेगा, इसको आर से मल्टीप्लाई करोगे ये मिलेगा, इसको आर से मल्टीप्लाई करोगे ये मिलेगा। यस, द फाइव नंबर्स आर इन जीपी, पहली बात। दूसरी बात, दो ही वेरिएबल निकालने हैं। कौन से? सिर्फ मशक्कत करनी है ए और आर निकालने में। और तीसरी फायदा बताओ क्या? तीसरा फायदा बताओ क्या? जैसे इनका प्रोडक्ट निकालोगे, सारे आरओ में काटापीटी मच जाएगी। बोलो बेटा, जैसे ही इनका प्रोडक्ट निकालोगे सारे आर आपस में कैंसल हो जाएंगे। यू विल गेट द वैल्यू ऑफ इट डायरेक्टली, एक ही एकदम झट से ओरली वैल्यू आ जाएगी। दो वेरिएबल निकालने थे ए और आर, ए तो चुटकियों में निकल गया, सिर्फ आर की बात और रह गई। बोलो बेटा, क्लियर है बात? ठीक, तो मैंने क्या बताया, आज के बाद तीन नंबर्स लिखवा रहा हूं, अभी तीन नंबर्स अज्यूम करने हैं। तो बेटा क्या करोगे? पहले प्रयास तो वही रहेगा, 1 2 4 करके काम निपटा दूं। अगर कभी मानना पड़ रहा है तीन नंबर्स को, 1 2 4 मान लेते हैं। लेकिन भाई 1 2 4 वाली कंडीशन है तो नहीं, वो तो बोल रहा है तीनों का प्रोडक्ट 27 है, तो 1 2 4 मान कैसे लूं? ये तो पिट गया। तो क्या करें? एबीसी। अब एबीसी से अच्छा रहेगा क्या? ए अपॉन आर, ए और सिमिलरली पांच करने हैं तो एक एक बढ़ा दो। आखिरी सवाल मेरा, चलो इसमें देख लो पहले, तो वो भी एग्जाम में था। सात करने हैं तो मना मत करना, ए अपॉन और यहां पर बेटा ये सारे भी जीपी में तो हैं। अगर 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 बेटा चार नंबर्स अज्यूम करने हैं, अब बताओ ये तो ऑड नंबर्स थे, 3 5 7 9, अब बढ़ाते रहोगे एक एक दोनों तरफ। अगर ऑड नंबर्स लेने हैं तो अब ऑड सॉरी इवन नंबर्स, चार नंबर्स बोल रहा है कि 4 नंबर्स आर इन एपी जीपी, बोल रहा है यहां पर 4 नंबर्स आर इन जीपी। अभी चार नंबर्स क्या अज्यूम करेंगे बेटा? लगाओ ना दिमाग, थोड़ा बहुत दिमाग तो लगाओ। चार नंबर्स क्या करें? जीपी भी बन जाए, सारे आर भी कट जाएं और चार टर्म्स भी बन जाएं। बोलो बेटा, बताओ ये चारों जीपी में है कि नहीं है? पहले तो पहले ये बताओ बेटा, चारों जीपी में हैं या नहीं है? कॉमन रेशियो कितना है? आर स्क्वायर है। बोलो बेटा, इसको आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे ये मिलेगा, इसको आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे ये मिलेगा। बेटा हां बोलो ना, और इसको आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके ये मिल जाएगा। ठीक कह रहा हूं मैं? बोलो। तो यस, द फोर नंबर्स आर इन जीपी, पहली बात। दूसरी बात, ए और आर दो ही चीजें निकालनी पड़ेंगी। तीसरा फायदा देखो क्या, अगर इनको जब मल्टीप्लाई करोगे बेटा, ये आर क्यूब से आर क्यूब, आर से आर कैंसल, ए की वैल्यू, ए की वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगी कि नहीं आएगी? बेटा बोलो फटाफट से। हां सर, ए की वैल्यू आ जाएगी, आ जाएगी। बेटा बेटा क्लियर है बात? बेटा बोलो।
ए की वैल्यू आ गई, फर्दर सॉल्व करके आर भी निकाल पाएंगे। अगर अगर बेटा यहां पर 6 टर्म्स होती, बताना क्या करते हैं, अब मना मत करना, इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं, 6 टर्म्स होती तो क्या करते, जल्दी बोलो फटाफट से। हाँ बेटा 6 टर्म्स होती तो क्या करते, जल्दी बोलो बेटा। एक टर्म यहां बढ़ा देंगे ए आर फाइव, और एक टर्म यहां बढ़ जाएगी ए अपॉन, बेटा ठीक है बात ये, जल्दी बोलो बेटा, ठीक है। चलो लिख लेते हैं अब सारी बातें, अब लिखते हैं सारी बातें, लिखो नो। ऑलवेज अज्यूम थ्री नंबर्स इन जीपी, बेटा क्या मानोगे इन्हें, ए अपॉन आर, ए और ए आर। सेकेंड, फाइव नंबर्स इन जीपी, अपने आप कंप्लीट करो टेबल, अब काफी मेहनत कर ली मैंने। सेवन नंबर्स इन जीपी, एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है बेटा इसके ऊपर। फोर नंबर्स इन जीपी और सिक्स नंबर्स इन जीपी, बेटा क्या क्या अज्यूम करोगे, आगे लिखते जाओ फटाफट से। मैंने समझा दी सारी बातें, वन टू फोर से बात ना बने अगर, भाई जीपी में तो मैं वन टू फोर मान के काम कर लूंगा, लेकिन जब वन टू फोर से बात ना बने तो तीन नंबर्स को एक्स वाई जेड मत मानना, बेहतर रहेगा ए अपॉन आर, ए और ए आर मान लेना। एक तो दो ही वेरिएबल निकालने की जरूरत पड़ेगी, और जैसे इनका प्रोडक्ट करोगे सारे आर कैंसिल होकर ए बच जाएंगे। करिए बेटा नोट, करिए। फाइव नंबर्स क्या मानेंगे बेटा, ए आर स्क्वायर, ए आर, ए, ए आर, और यहां पर क्या होगा बेटा, सेवन नंबर्स, सेवन नंबर्स क्या मानोगे बेटा, ए अपॉन आर क्यूब, ए अपॉन आर स्क्वायर, ए अपॉन आर, ए ए आर, ए आर स्क्वायर और ए आर क्यूब। लो बेटा ये सात नंबर्स हो गए, तीन नंबर्स, पांच नंबर्स, सेवन नंबर्स। बेटा फोर नंबर्स बताओ क्या मानोगे, अब चार नंबर अज्यूम करने हैं, क्या करोगे, ए आर क्यूब, सॉरी ए अपॉन, ए अपॉन आर और ए आर क्यूब, ये सारी की सारी शॉर्ट ट्रिक्स हैं ये। और अगर छह नंबर्स करने हैं तो अब क्या करोगे, ए आर की पावर फाइव, ए आर क्यूब, ए आर, ए आर,
ए आर क्यूब और ए आर की पावर 5। बेटा कंप्लीट कर लो इसे, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया फॉर्मेटिंग, लेकिन आई होप मैनेज कर लोगे आप। करिए करिए, सबकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे चुका हूं, सबका डिटेल्ड डिस्कशन मैं आपके साथ कर चुका हूं। यहां पर यहीं पर रुककर एक एपी की बात भी करेंगे, यही बताऊंगा एपी की बात। इसके क्वेश्चंस हैं कुछ हमारे पास जो मैं टेस्ट में भी दूंगा आपको। फिर करिए बेटा फटाफट से नोट पहले इसको। क्वेश्चंस मैंने जीपी के अभी तक कोई डिस्कस नहीं किए, देखें बेटा और देखिए। पहले समझ लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पर उसने मेरे से कहा यहां पर फाइंड थ्री नंबर्स इन एपी। सर एपी टॉपिक तो खत्म हो गया, कोई बात नहीं, आता रहेगा, अंत तक आता रहेगा। यहां पर अब समझाने में मुझे टॉपिक आसान रहेगा, इसलिए वहां छोड़ा हुआ था। थ्री नंबर्स आर इन एपी, दिमाग में क्या आ रहा है बोलो बेटा। सर हमें तो लग रहा है 1 2 3 मानकर काम कर देंगे, लेकिन हूज सम इज, लेट्स से सम इज 21। ओ सो सैड, सो सैड। बेटा पिट गए कि नहीं पिटे, ये तो नहीं चल पाएगा। तो अब क्या करें, और भी कुछ शर्तें दी हुई हैं। लेट थ्री नंबर्स बी, बताओ बेटा ये तीनों नंबर्स क्या मान लें, एक्स वाई जेड। मान लेते हैं तीन नंबर्स एक्स वाई जेड हैं ये। अब बनाओ इक्वेशन एक्स वाई जेड की, वैल्यू निकालो, या अल्टरनेटिवली वही जीपी वाली टेक्निक कुछ इस्तेमाल हो सकती है क्या? बताओ तीन नंबर्स क्या मान लें, क्यों ना मैं तीन नंबर्स ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी मान लूं। फायदे बताओ, पहला फायदा पहले तीन वेरिएबल निकालने डिटरमिन करने पड़ रहे थे, वी नीड टू डिटरमिन एक्स Y, Z, लेकिन अब सिर्फ क्या करना है बोलो बेटा, सिर्फ A और D निकालने हैं। दूसरा सबसे बड़ा फायदा बताओ क्या, जैसे इनका सम दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है बोलो बेटा, तो बेटा इनका सम बताया हुआ है 21, ये प्लस ये प्लस ये 21 दिया हुआ है। जैसे इनको प्लस करेंगे बेटा, डी से डी सारे कैंसिल हो जाएंगे, ए की स्ट्रेट फॉरवर्ड वैल्यू 7 आ गई कि नहीं आई बेटा बोलो। हाँ समझ में आ रही है बात, के फायदा हो गया। अब सिमिलर तरीके से ये बताइए आप, अगर मुझे 5 नंबर्स एपी में अज्यूम करने हैं क्या करवाओगे, ए माइनस डी, ए प्लस डी, तीन नंबर्स अज्यूम करवाए थे, 5 बताओ 5 क्या करवाओगे बोलो बेटा, a माइनस 2d और a प्लस। बेटा ये पांचों एपी में है कि नहीं है, क्या 7 नंबर्स एपी में बता पाओगे? हो जाएगा। अब मुझे बस ये और बता दो कि अगर 4 नंबर्स अज्यूम करने हैं
एपी में, तो अब वो क्या करोगे? ए माइनस टू डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी। डिफरेंस कितना है इसमें बेटा? डिफरेंस कितना है? कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? 2d आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसमें 2d ऐड करोगे ये मिल जाएगा, इसमें 2d ऐड करोगे ये मिल जाएगा, इसमें 2d ऐड करोगे ये मिल जाएगा। चारों टर्म्स ap में हैं बेटा, बोलो। और फायदा क्या हो गया? वरना मुझे p q r s मानता चार निकालने पड़ते, दो ही वेरिएबल रह गए। दूसरा फायदा ये, कल को जब इनको ऐड करूंगा तो सारे डी कैंसिल हो जाएंगे, एक ही स्ट्रेट फॉरवर्ड वैल्यू आ जाएगी। बेटा क्लियर है? लिखो वहीं पर दोबारा से। पॉइंट नंबर टू लिख लो, ऑलवेज अज्यूम Always assume three terms in AP. बताओ क्या assume करोगे? Five terms in AP. बताओ क्या assume करोगे? Seven terms in AP. बताओ क्या अज्यूम करोगे? सिमिलर प्रकार से फोर टर्म्स इन एपी भी बताओ क्या अज्यूम करेंगे। बेटा लिखो, चार्ट को कंप्लीट करो फटाफट से। ऑलवेज अज्यूम थ्री टर्म्स इन एपी। अगर आपको एपी में तीन टर्म्स कोई अज्यूम करनी है तो किसे अज्यूम करेंगे? करिए, बेटा तीन टर्म्स एपी में क्या अज्यूम करेंगे? बेटा बोलो जी। बेटा बेटा क्या लिख दूं यहां पर? सर यहां लिख दीजिए ए माइनस डी, और फिर बेटा और इसके बाद क्या सिमिलर तरीके से पांच टर्म्स बता पाओगे? बेटा क्या होंगी पांच टर्म्स? ए माइनस टू डी, ए माइनस डी, ए ए प्लस डी और ए प्लस। सेवन टर्म्स में क्या होगा? एक एक बढ़ जाएगा, यानी पहली टर्म क्या बन जाएगी, अगली क्या बन जाएगी, और सिमिलर तरीके से आखिरी टर्म क्या रहेगी? ए प्लस थ्री डी हो जाएगी। और फोर टर्म्स बता दो बस आखिरी, ए माइनस थ्री डी, उसके बाद बेटा और आखिरी टर्म। बेटा यहां तक मैं समझ रहा हूं बात क्लियर हो गई होगी। बेटा क्लियर है यहां तक की बात? yes, जल्दी बोलो बेटा। बेटा ठीक है? yes, बेटा बोलो ना। हाँ yes, चलो ठीक है। क्वेश्चंस देखना बेटा एक बार, क्या क्या कर लिया हमने। चलो एक काम करो, एक एग्जांपल लिखिए आप। एग्जाम्पल लिखिए, एक्स वाई जेड आर इन एपी। इफ एक्स वाई जेड आर इन एपी, बेटे वापस एग्जाम्पल जहां लिख रहे हो उसी के बाद लिखना। इफ एक्स वाई जेड आर इन एपी एंड एक्स वाई टी
आर एन जी पी, तीन नंबर्स हैं एपी में और ये तीन नंबर्स हैं एक्स वाई टी जीपी में। करना क्या है वो पूछ रहा है, देन एक्स एक्स माइनस वाई और टी माइनस जेड आर इन। बेटा ये तीनों नंबर्स एपी में होंगे, जीपी में होंगे, एचपी में होंगे या किसी में भी ना होंगे। क्वेश्चन पढ़ लो, तीन नंबर्स एक्स वाई जेड आर इन एपी, एक्स वाई टी आर इन जीपी। आपको बताना है ये तीनों नंबर्स किस में होंगे, एपी में होंगे या जीपी में होंगे। एक ही लाइन का आंसर है, एक लाइन से मतलब दो चार लाइन है लेकिन टाइम लगेगा 10-20 सेकंड का ही। बस बताओ बेटा क्या करें, बस स्टार्ट करने तक की मशक्कत है। बताओ बेटा क्या करें, बोलो बेटा कुछ तो बोलो। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे, नहीं ट्राई करोगे तो कैसे बात बनेगी बताओ। ये नहीं मिलने वाला एट्थ टर्म निकाल दो, ट्वेल्थ टर्म निकाल दो, थर्टीएथ टर्म निकाल दो या सम ऑफ 15 टर्म निकाल दो, ये सब नहीं मिलेगा एग्जाम में। मतलब आता है क्वेश्चन वो भी बहुत कम चांसेस हैं, और उसमें क्या ही सिखाना ये बताओ जरा। बेटा कुछ भी दिमाग में नहीं आ रहा। हाँ बड़ा सिंपल सी बात तो है, जैसे ही मैंने एपी कहा दिमाग में सिंपलेस्ट एपी क्या अज्यूम करोगे, क्यों नहीं बोल रहे फिर। जब वो बोलोगे नहीं तो लिखोगे नहीं, लिखोगे नहीं तो ट्राई नहीं करोगे क्वेश्चन ब्लैंक। आप सोच रहे हो ओरली दिमाग में कुछ मेरे एक प्रकाश आ जाएगा ऊपर से और वो बताएगा, कुछ नहीं होगा ऐसा। अरे सिंपल सी बात बताइए, तीन नंबर एपी में है, अगर अज्यूम करने हैं तो क्या अज्यूम करोगे। लेट एक्स इक्वल टू वन वाई टू जेड थ्री, तीनों एपी में है कि नहीं है। एंड ये क्या है बेटा एक्स वाई टी, एक्स तो क्या माना हुआ है वन है ही, वाई कितना है टी को क्या माने कि ये जी। अरे हो तो गया क्वेश्चन खत्म। अब ये चेक कर लो सॉल्व करके क्या आ रहा है, तीन नंबर्स कौन से बन रहे हैं, और फिर वो चेक कर लेना वो तीनों नंबर्स किस में हैं। बताओ बेटा, बिल्कुल ही ब्लैंक हो जाते हैं। देखो अब नाउ गिवन नंबर्स क्या हैं, एक्स एक्स माइनस वाई टी माइनस जेड, पुट द वैल्यूज नाउ। बेटा वैल्यूज पुट करो, एक्स कितना हो गया वन, एक्स माइनस वाई कितना हो गया माइनस वन, टी माइनस जेड कितना हो गया वन। बताओ वन माइनस वन वन किसमें है बेटा, ये बेटा किसमें है, ये एपी में तो क्लियरली नहीं है, दीज आर क्लियरली इन जीपी। ए कितना है इसमें और आर कितना है माइनस वन, चेक कर लो। इसको माइनस वन से मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा, इसको माइनस वन से करोगे ये आएगा। सो द गिवन सीरीज इज इन जीपी, नोट करिए फटाफट से। बेटा नोट कर लीजिए फटाफट से, लिखिए अगला।
एग्जांपल, अगला एग्जांपल लिखिए, अगला एग्जांपल, इन जीपी एस एन इज इक्वल टू 2n-1। कोई जीपी है उसमें सम ऑफ एन टर्म्स दिया हुआ है, फाइंड आर, मना मत करना, बहुत आसान है, एस एन दिया हुआ है, सम ऑफ एन टर्म्स दिया हुआ है, कॉमन रेशियो निकाल के बताना है। बताओ दिमाग में आ क्या रहा है, एस एन दिया हुआ है तो एस वन निकाल लोगे, एस टू निकाल लोगे, एस थ्री निकाल लोगे, जब वो आ जाएगा तो टी वन टी टू टी थ्री भी आ जाएंगे, और जब टी वन टी टू टी थ्री आ गए तो क्या आर ना आ जाएगा? करो करो फटाफट से, ये सारे एग्जाम के ही क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन बेटा एग्जाम के ही है, ये असाइनमेंट के क्वेश्चन बाद में डिस्कस करूंगा, पहले थोड़ी ग्रूमिंग कर लें, तैयार कर लें अपने आप को, करिए। देखना बेटा, एस एन दिया हुआ है 2n-1, दिस इंप्लाइज एस वन कितना 1, एस टू कितना 3, एस थ्री कितना 7 एंड सो ऑन। यहां से अब बताइए टी एन का फॉर्मूला क्या होता है, तो एस वन सॉरी टी वन कितना हो जाएगा, ये तो एस वन ही हो जाएगा, टी टू कितना हो जाएगा, एस टू माइनस एस वन यानी 2, ये बताओ बेटा टी थ्री कितना हो जाएगा, एस थ्री माइनस एस टू 7-3 4 एंड सो ऑन, क्योंकि तीन नंबर्स पर्याप्त होते हैं ये तय करने के लिए कि एपी और जीपी किस प्रकार की है। नौ बेटा सीरीज क्या बन गई, इसका मतलब 1 2 4, तो बेटा इसमें ए कितना है, आर कितना है 2, इज द आंसर। आर ही तो पूछा था उसने, उसने सिर्फ आर ही पूछा था, ए भी पूछ सकता था, इसमें मैंने दोनों ही निकाल दिए आपके लिए, इसमें ए भी पूछ सकता था। बड़ा नोट कर लिया, एक और लिखिए एग्जाम्पल, इन अ जीपी टी एन इज इक्वल टू 2n, फाइंड S6। मैं क्वेश्चन को शॉर्ट करके लिखवा रहा हूं एक्चुअली, भाई जीपी है उसमें टी एन दिया हुआ है 2n, आपको बताना है S6 इस सीरीज का 6 टर्म्स का सम क्या होगा, बताओ दिमाग में क्या आ रहा है। हां जी टी एन दिया हुआ है बेटा, टी वन निकल जाएगा, टी टू निकल जाएगा, टी थ्री निकल जाएगा, तीन नंबर आते ही जीपी मिल जाएगी, ए और आर भी आ जाएगा, S6 निकाल लोगे। बोलो बेटा करो फटाफट, करो फटाफट,
ऐसे ओरली दिख रहा है मुझे, जीपी कौन सी बनने वाली है ये देखो, टी वन इज टू की पावर वन टू, टी टू इज टू स्क्वायर फोर, टी थ्री इज टू क्यूब एट। बेटा जीपी क्या बन गई इसका मतलब, जीपी इज दो चार आठ एंड सो ऑन, यानी ए हो गया टू, आर बी हो गया टू, ए और आर टू आ गए। तो अब बेटा मत करो बेटा बात, डज एस सिक्स कितना होगा? बेटा फॉर्मूला भूल गया मैं, क्या फॉर्मूला था? ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन अपॉन, बेटा बोल तो दिया करो, आर का मतलब टू की पावर सिक्स माइनस वन अपॉन टू माइनस वन, टू की पावर सिक्स रहेगा टू फोर एट एट, सिक्सटी फोर माइनस वन सिक्सटी थ्री, सिक्सटी थ्री इंटू टू एक सौ छब्बीस इज द रिक्वायर्ड आंसर। चेक कर लो बेटा, एक सौ छब्बीस इज द रिक्वायर्ड आंसर। जीपी nth टर्म दी हुई है, यू नीड टू फाइंड आउट द सिक्स्थ सम ऑफ फर्स्ट सिक्स टर्म्स ऑफ अ जीपी। बेटा फटाफट से नोट कर लो से, बेटा हो गया? चलिए आज की चर्चा यहीं पर समाप्त करेंगे, धन्यवाद।